सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जांगीत। और आज हम बात करेंगे एक्ने स्कार्स के बारे में। एक्ने स्कार्स कैसे होते हैं, क्यों बनते हैं स्किन के ऊपर और किस किस टाइप्स के होते हैं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा अलग से वीडियो बना रखा है, तो उसको पहले ज़रूर देखें और उसके बाद आप ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जब भी हम एक्ने स्कार्स की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली दो लेयर पर हमें काम करना पड़ता है, अपर लेयर के ऊपर भी और डीप लेयर के ऊपर भी। ओके, और अपर लेयर के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, कुछ पेडिस्टल पार्ट हो सकता है और दूसरा होता है कुछ पीलिंग ट्रीटमेंट्स। ओके, तो ये दोनों आपके अपर स्किन पे काम करेंगे। डीप लेयर के लिए हमें लेजर्स का सहारा लेना पड़ता है, वो लेज़र अलग अलग तरह के होते हैं स्किन के स्कार को ठीक करने के लिए। तो उनमें से एक लेज़र होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल CO2। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं बेसिकली फ्रैक्शनल CO2 लेज़र की है। ये स्किन को अलग तरह से कह सकते हैं कि ट्रीट करता है और इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप ज़रूर उसको देखना। और सेकेंड एक लेज़र होता है उसको बोलते हैं MNRF। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये बेसिकली MNRF की है। और एक थर्ड लेज़र होता है उसको बोलते हैं रिसर्फेक्स। रिसर्फेक्स लेज़र कौन सा है, वो है ये वाला। ओके, सो आज इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो लेज़र है वो कैसे काम करता है, कितनी सेटिंग्स चाहिए और कितना कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है इससे, राइट? तो दोस्तों, जब लेज़र की बात होती है तो हमारे स्किन पे जो स्कार को ट्रीट करने के लिए दो तरह के लेज़र्स होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं एब्लेटिव लेज़र्स। ओके, जो कि स्किन को हल्का सा कह सकते हैं अपर लेयर और डीप लेयर को थोड़ा सा डैमेज करते हुए उसको ठीक करते हैं। पहले डैमेज पार्ट होता है, उसके बाद हमारा स्किन उसको रिपेयर करता है। ओके, एक होता है जिसको बोलते हैं नॉन एब्लेटिव लेज़र्स, जो कि स्किन में इतने कोई स्कार कह सकते हैं कि ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, सिर्फ एक अच्छी एनर्जी डिलीवर करता है। ल्यूमिनस जो है ये वाला जो लेज़र है बेसिकली ये एक तरह का नॉन एब्लेटिव लेज़र है। तो जो नॉन एब्लेटिव लेज़र्स होते हैं बेसिकली वो ज़्यादा स्किन को ऐसे डैमेज नहीं करते हैं। यू कैन सी माइल्ड रेडनेस ऑन द स्किन। लेकिन कोई भी चाहे लेज़र हो, उसका जो बेसिक पर्पज़ कौन सा होता है, वो बेसिक पर्पज़ होता है कि स्किन के अंदर कोलेजन को इंड्यूस करना। जी हाँ, जितने भी लेजर्स होते हैं स्किन को हल्का सा डैमेज करते हैं, कंट्रोल डैमेज बोलते हैं इसको। और कंट्रोल डैमेज का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, पर्टिकुलर एरिया तक ही कंट्रोल में कह सकते हैं कि वो डैमेज करते हैं। और जैसे आपका स्किन डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद में वहाँ पे फिर से कोलेजन बनता है आपका। ओके, और जब कोलेजन बनता है तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्कार है वो हल्का सा हील होके कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो डिसअपीयर हो आपके स्किन से। देखिए, स्कार कभी भी पूरी तरह नहीं जाता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपका स्किन में स्कार धीरे धीरे कम हो सकता है। और इस तरह वो लेज़र्स काम करती है। इस लेज़र्स की कितनी सेटिंग्स चाहिए होती है रफली? इसकी सेटिंग्स रफली 4 to 6 कह सकते हैं कि सेटिंग्स की ज़रूरत होती है। और रफली कह सकते हैं कि 40 to 60% इसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपके स्किन पे स्कार किस तरह के हैं। देखिए, अगर स्कार ज़्यादा डीप नहीं है, शेलो स्कार्स हैं और कह सकते हैं कि आपका स्किन एक अच्छा स्किन है, ओके, इन दैट कंडीशन यू विल हैव अ काइंड ऑफ अ गुड रिजल्ट। ये उन्हीं के लिए ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पे स्कार ज़्यादा डीप नहीं है। या फिर क्या करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जैसे कि एब्लेटिव लेज़र जो फ्रैक्शनल CO2 था, और उसके साथ में ये दोनों लेज़र आपस में दिए जा सकते हैं ताकि एक अच्छा रिजल्ट आपको आए। सो यू कैन सी ओवर हियर कि इनके कुछ इस एरिया पे मिक्स स्कार है। ओके, और सबसे पहली बात ये होती है कि देखिए, आपका कोई भी लेज़र का ट्रीटमेंट करो, उससे पहले आपका स्किन हेल्दी होना ज़रूरी है। तो देखो, इन मैम ने सबसे पहले अच्छे से ट्रीटमेंट लिया था, 3 to 4 months का ट्रीटमेंट लिया और उनके बाद इनका स्किन बिल्कुल हेल्दी हुआ। और हेल्दी स्किन के ऊपर हमेशा लेज़र का ट्रीटमेंट होता है, स्कार का ट्रीटमेंट होता है, राइट? तो अगर हमें अगर इस बात की इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली एक तरह का ग्रुप्ड स्कार्स हैं जो कि ज़्यादा डीप स्कार नहीं है, तो हम उम्मीद करेंगे कि इनका अच्छा रिजल्ट आए। ओके, तो हमने सबसे पहले इस एरिया को तैयार कर लिया है, और वीडियो बनाने से पहले हमने इसको इसके ऊपर एक नंबिंग क्रीम लगाया था, और वो नंबिंग क्रीम हमने इसको रिमूव किया है, और ताकि ये स्किन पे ज़्यादा पेन नहीं हो। पेन ज़्यादा इसमें नहीं होता है इस लेज़र में, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ ए नॉन एब्लेटिव लेज़र जहाँ पे स्किन ज़्यादा कह सकते हैं डैमेज नहीं होता है। सो नो नीड टू वरी फॉर देट। और ट्रीटमेंट कैसे होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर सो वी हैव फिनिश द ट्रीटमेंट, और देखा बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है। और दूसरा है कि लेज़र के जस्ट बाद में क्या चेंजेस होते हैं, यू कैन सी ओवर हियर। लेज़र के बाद में हल्का सा रेडनेस रहता है स्किन के ऊपर, आप देख पा रहे हो स्किन ज़्यादा कोई बर्न स्किन नहीं है। ओके, द स्किन इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल
बट उसमें थोड़ी स्वेलिंग रहती है, और ये जो स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, नेक्स्ट 2 to 3 days में आपकी चली जाती है, राइट। स्वेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बेसिकली। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर क्या स्वेलिंग मुझे रिड्यूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैन आई टेक मेडिसिन फॉर द स्वेलिंग और नॉट। तो देखिए, स्वेलिंग जितना अच्छा रहेगा आपकी स्किन के ऊपर उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, स्वेलिंग एक ट्रीटमेंट का पार्ट है बेसिकली। जैसे देखा, बिल्कुल कंफर्टेबल ट्रीटमेंट था, इट्स नॉट वेरी पेनफुल एट ऑल। ओके, ये टाइनी प्रिक्स यू कैन फील इट वंस इन 2 weeks और वंस 2 to 4 weeks में आपको एक बार ले सकते हो उस लेजर को। ओके, और डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्टर कि वो किस तरह से आपके लिए प्लान तैयार करते हैं ट्रीटमेंट का। ओके, इसके अलावा कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कोई भी अगर लेज़र की बात करें तो उससे पहले 3 to 4 days या 5 days से तक आपको जो मेडिसिन होती है उसको स्टॉप करना होता है, लेज़र से पहले भी और लेज़र के बाद में भी। ओके, और नेक्स्ट 2 to 3 days तक आपका स्किन थोड़ा सेंसिटिव रहता है, और सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी इंडियन स्किन में ये प्रॉब्लम है कि अगर आपका स्किन ज़्यादा स्वेल्ड है या डैमेज्ड है तो वहाँ पे पिगमेंटेशन होने का चांसेस रहता है। ओके, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको चाहे कोई भी लेज़र ट्रीटमेंट हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो, एटलीस्ट सन प्रोटेक्शन इज मस्ट, और उसके लिए आपको एक अच्छा सा कह सकते हैं कि सनस्क्रीन लगाना है। स्किन शुड नॉट बी ड्राई, ओके, बिकॉज ड्राई स्किन में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। जो एक्ने स्कार है उसके अलावा जो भी आपके स्किन पे स्कार होते हैं, जैसे कि चाहे बर्न स्कार हो या फिर कोई ट्रॉमेटिक स्कार हो या फिर कोई सर्जिकल स्कार हो, उस पर भी ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है। स्ट्रेच मार्क पे ये भी काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। ओके, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेच मार्क किस तरह के हैं, बट नो डाउट दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंडिकेटेड थेरेपी, ओके, फॉर द स्ट्रेच मार्क ऑल्सो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड स्पेशल थैंक टू अमृता ऑल्सो जिन्होंने हमें काफ़ी इसके लिए सपोर्ट किया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर देट। एंड या कोई भी क्वेश्चन हो एक्ने स्कार के बारे में तो ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई करता हूँ उसका। Thank you so much for watching this video.